तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद बदर ने अपने केस की दादरसी के लिए चेयरमैन नैब और DGFIR को ईमेल कर दी है। क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी की करप्शन छुपाने में कुछ हुकूमती लोग शामिल हैं। ईमेल में मतन इख्तियार किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहिल, बदर ने पहले इससे कबल भी तकरीबन 4 महीने कबल FIA में दरख्वास्त की थी कि जो PSL है उसमें मुबैना तौर पर करप्शन की गई थी और उस केस की तहकीकत की जाए और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी फ्राम की जाए, लेकिन अभी तक ना उन्हें ऑडिट रिपोर्ट मिली है। और इसके हवाले से अब उन्होंने चेयरमैन नैब को और DGFIA को भी लेटर लिखा है, ईमेल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नजम सेठी थे उन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन की है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है शाया किया जाए। उन्होंने वजीर अजम इमरान खान को भी लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि जो क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग हैं जो नजम सेठी को छुपाना चाहते हैं करप्शन को और ऑडिट रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं की जा रही, जबकि अदलिया ने भी जो है इस बारे में अहकाम जारी किए थे कि ऑडिट रिपोर्ट जो PSL की वो जारी की जाए। उन्होंने उनका कहना यह था कि PTI की हुकूमत करप्शन के खिलाफ है, लेकिन अभी तक करप्शन में मुबैना तौर पर जो मुलविस है नजम सेठी उनके खिलाफ क्रिकेट बोर्ड कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर सका, जबकि जो तहकीकती इदारे हैं उन्होंने भी अभी तक उनके खिलाफ तहकीकत का आगाज नहीं किया। FIA में भी 4 माह से जो दरख्वास्त दी है लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से जो कोई तहकीकत के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।